नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आतंकियों को आतंकियों से खत्म करेंगे पर्रिकर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि आतंकवादियों को सिर्फ आतंकियों के जरिए ही नष्ट किया जा सकता है और भारत विदेशी सरजमीन से 26/11 की तरह के आतंकवादी हमलों की साजिश रचने वालों को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाएगा। रक्षा मंत्री ने बिना किसी लाग लपेट के कांटे से कांटा निकालने के मुहावरे का उपयोग किया और हैरत जताई कि आखिर आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भारतीय सैनिकों का उपयोग क्यों किया जाए। उन्होंने अग्र सक्रिय कदमों में दबाव की रणनीति की संभावना जताई। रॉबर्ट वाड्रा ने लूट ली किसानों की जमीन। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमजे अकबर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर जमकर बरसते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने कंपनियां खोलने के लिए किसानों की जमीन लूटी है। गुजरात के भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए अकबर ने किसानों के कल्याण के बारे में बात करने वाले कांग्रेस नेताओं को जवाब देने की जरूरत पर जोर दिया। अकबर ने आरोप लगाया कि जो किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने किसानों की जमीन हासिल कर खुद ही कंपनियां लगाई हैं, तो हम रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों का जिक्र क्यों न करें जिन्होंने दिन दहाड़े किसानों की जमीन लूटी है। चलती ट्रेन में जन्मा बच्चा। बेंगलुरु से पटना जाने वाली संघमित्रा एक्सप्रेस के कोच नंबर 7 में यात्रा कर रही एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने के चलते देखते ही देखते ट्रेन में हड़कंप मच गया। इस बात की सूचना जब टीटी को दी गई, तो टीटी द्वारा ट्रेन में ही मौजूद महिला डॉक्टर को ढूंढ कर लाया गया। इस दौरान मदद के लिए नर्स भी वहां पहुंच गई। S7 से सभी पुरुष यात्रियों को निकालने के साथ ही डॉक्टर ने आपात स्थिति के लिए खुद को तैयार कर लिया। महिला यात्रियों ने भी अपना योगदान दिया। आखिरकार कुछ ही देर में वहां बच्चे की किलकारी गूंजने लगी।